ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार शराबबंदी गले के भले असमंजस की स्थिति में हो पर बता रहे कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी माए कैसन गांव आगे आबा है जो शराबबंदी के न केवल बढ़ चढ़ के समर्थन करित बलू को शराबबंदी गले के पूरा गांव एकराय भा और अब दिया तयकीन गा है कि पूरे गांव में न केहू के द्वारा शराब के सेवन की जई अन्न में शराब बेची जई। बेचे वाले और पिए वाले के ऊपर जुर्माना के राशि घलाए तय की गई है और अच्छी बात यह है कि गांव के सब लोगन के एमा एक राय है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहां पूजा अपना पंचे सबजन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से बता दी कि पेशा एक्ट से शराबबंदी करे वाला मध्य प्रदेश के पहल गाँव जल्दा मुड़िया बना है जहाँ बता दी कि पहल लड़की ऐसा भा के बिना नशा के सेवन करे गांव के कोनो प्रोग्राम सफलता से भा। बता दी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा डिंडोरी में कार्यक्रम के आयोजन कई के आदिवासी समाज खातिर पेशा एक्ट लागू कीन गया रहा और अब वही डिंडोरी गांव में ग्रामीण के द्वारा शराब बनाए के बेचे और पिए में पाबंदी लगाई गई है। पेशा एक्ट से शराबबंदी करे वाला जल्दा मुड़िया गाँव मध्य प्रदेश के ऐसा पहल गाँव है जहाँ 1 जनवरी का 13वीं के कार्यक्रम बिना कोनो नशा के भा। बता दी कि जल्दा मुड़िया गांव के ग्राम सभा अध्यक्ष राजकुमार के द्वारा बतावा गा कि 30 दिसंबर का पेशा एक्ट के तहत ग्राम सभा के आयोजन कीन गा रहा जहाँ महिला और पुरुष के द्वारा एक मत हुए के गांव में शराबबंदी खातिर आवाज बुलंद कीन गए जेके बाद ग्राम सभा में यह तय कीन गा कि गाँव में शराब बनावे या बेचे पाए जाए पर 1000 रुपया के जुर्माना लगावा जाए। वह गांव के सरपंच सुनीता वनवासी के द्वारा बतावा गा कि गांव के जोने घरे में शादी विवाह जन्मोत्सव या फिर पूजा हुई वो घर के लोगन का सबसे पहले ग्राम सभा में आए के जानकारी दे पड़ी जेके बाद 4 लीटर तक के शराब के छूट जो उन्हें मिल सकी। ग्राम सभा अध्यक्ष राजकुमार दुर्वे के द्वारा बतावा गा कि जल्दा मुड़िया गांव में करीब 300 परिवार रहा था और 7 टोला में यह परिवार रहा थे जहां 7 टोला की जिम्मेदारी ग्राम सभा के सदस्य का दीन गई है कि अपने अपने टोला के निगरानी करा और शराबबंदी का लागू रखा। बता दें कि ये गांव में 15 परिवार ऐसा हैं जो महुआ से शराब बनावे के कारोबार में जुड़े हैं जिनका बता दें कि ग्राम सभा के बैठक में बुलाए के सख्त हिदायत दी गई है और उनका द्वारा कहा गया है कि महुआ खत्म होने के बाद दोबारा महुआ न मंगवावा जाए और शराब के बनावे के काम जो है अब पूरी तरीके से यहाँ बंद रही। बता दें कि जल्दा बुढ़िया गाँव के कार्यक्रम के इतिहास में पहली लड़की भा के केहू के केहू के द्वारा शराब के सेवन नहीं कीनगा। 30 दिसंबर में जब से ग्राम सभा में शराबबंदी लागू भय तब से केहू के द्वारा न शराब का सेवन कीनगा न मैं शराब यहाँ गांव में बेची गई है। तो उनको एक्ट के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल से समझाया था जब पहली ग्राम सभा होने के पहले जब गठन होने के पहले इस बात को बताया था मैंने जब ट्रेनिंग हो रही थी उन लोगों की तो उसमें कि आपको क्या अधिकार हैं आप किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं खासतौर पर आवकारी के अंतर्गत क्या किस तरह से आप कर सकते हैं। वहाँ एक गाँव में शराबबंदी के प्रस्ताव जब से लगा है तो सबसे ज़्यादा गाँव के अगर क्यों खुश है तो वहीं महिला महिलाओं के द्वारा कहा गया कि गांव में शराब के कारण आए दिन विवाद होत रहे शराब लोगन के जहां असमय मृत्यु के कारण बढ़त ही तो वह शराब के नशे में मर्दन के द्वारा महिलाओं का पीटा जात रहा और अब प्रस्ताव पारित हो जाए से गांव में सुख शांति के माहौल रहे। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शराबबंदी कले के भले असमंजस की स्थिति में हो पर या मध्य प्रदेश के इतिहास में पहल गांव अपन नाम जो उन्हें शराबबंदी खातिर सुनहरा अक्षर में दर्ज करवाई नहीं है और बेहद सराहनीय पहल जो उन्हें मध्य प्रदेश में शराबबंदी खातिर शुरू भई है। दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल प्रणाम। Isn't she asking for more? इसको मालूम है बंदी अरेना एनिमेशन से है? Oh, she is from Arena Animation. We have many Arena students working with us overseas. Congratulations, you're hired. Arena Animation से स्किल लोगे तो डिमांड में रहोगे। Arena Animation, डिमांड में रहोगे।